मेरे कई नाम हैं, मेरे कई रूप हैं, अलग अलग युगों में मैं अलग अलग रूपों में जन्म लेता रहता हूं। कोई मुझे कहता है सुन वू कॉन्ग, कोई मंकी किंग तो कोई वू कॉन्ग। ये मेरी एक कहानी है बुराई और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की, सौंदर्य की अलौकिक मिसाल हुगो पर्वत, जहां ऐश्वर्य की देवी नुआ के अंश से एक विशाल काय वानर का जन्म हुआ। उस महाकाय बंदर को देखकर तीनों लोक अचंभित हो उठे, पर स्वर्ग उसकी अनंत शक्तियों को देखकर सहम उठा। स्वर्ग का एक खंड भाग्य परिषद, जहां से महादेवी महायक्षिणी भाग्य यंत्र के द्वारा संसार के सभी जीवों का भाग्य नियंत्रित कर उन्हें अपने अधीन रखती थी। पर उस विशाल काय बंदर को यह स्वीकार न था कि उसका भाग्य स्वर्गलोक के अधीन हो, इसलिए महायक्षिणी ने उस बंदर को शैतान करार देते हुए सारी दैविक शक्तियों के साथ हुगो की पहाड़ियों पर हमला कर उसे ध्वस्त कर डाला। पर उस महाकाय बंदर ने हुगो की पहाड़ियों को पुनः सजीव करने के लिए स्वयं को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर कर वहां जीवों का अस्तित्व कायम कर दिया। देवी नुवा के अंश से बना कभी न खत्म होने वाला वो बंदर दोबारा एक नए रूप में पैदा हुआ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महायक्षिणी ने भाग्य यंत्र द्वारा उस बंदर को दोबारा ढूंढकर विध्वंसक हमला कर दिया। जीव जंतुओं समेत पूरे हुगो पर्वत श्रृंखला को निस्त नाबूद कर डाला। इस घोर अत्याचार और तबाही को देखकर वो बंदर अब बेहद खूंखार बन चुका था। अब उसका एक ही मकसद था, प्रतिशोध। वो बंदर अपने एक नए रूप में भाग्य यंत्र और महायक्षिणी की बर्बादी के मकसद से निकल पड़ा। वो बंदर यानी मैं, वू कॉन्ग द मंकी किंग। मेरे आका, हम हुगो पर्वत को 300 साल पहले खत्म कर चुके हैं और देवी नुवा के अंश से पैदा हुआ वो बंदर जो हमारे स्वर्ग के लिए खतरा बन चुका था, उस शैतान को भी खत्म कर चुके हैं। अब ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जिसे हमारी अधीनता स्वीकार न हो। भाग्य यंत्र भी निर्विघ्न काम कर रहा है, पर उस बंदर का दैविक हृदय जो हमें चाहिए अब तक नहीं मिला। कृपया ध्यान दें, सदियों बाद स्वर्ग लोक की महासभा में आज फिर से नए देवताओं का चयन होने जा रहा है। देवत्व प्राप्त किए हुए महान देवताओं का चयन हमेशा से यही लोक करता आ रहा है। आप सब उस चुनाव के कठिन परीक्षाओं से गुजर चुके हैं। अब योग्यता के अनुसार आप सबों को कर्म पथ पर दो भागों में बांट दिया जाएगा। पहला वो जो हमारी महादेवी की असीम भक्ति से देवत्व हासिल कर चुके हैं, वो यहीं स्वर्ग का संचालन करेंगे, और दूसरे धरती लोक के उन काबिल लोगों को चुना गया है जो हमारी सोच के मुताबिक इंसानों को हमारे लिए तैयार करेंगे। तो हमारी महादेवी एक खास फल देकर सबसे काबिल को शिष्यों को सम्मानित करेंगी। राजकुमारी अंशिका, राजकुमारी, समारोह शुरू होने वाला है, आप वहाँ क्या कर रही हैं? बस डूबते हुए सूरज को देख रही हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप जल्दी आइए।
रुक जाओ। मैंने हमेशा ये फल दूसरों को ही खाते हुए देखा है, लेकिन आज हमें इसका स्वाद चखने को मिलेगा। सुना है कि बड़े रसीले होते हैं ये फल। मास्टर जेंगुरा, लड़कियां फल लेकर आ रही हैं, मैं थोड़ी मस्ती करूं क्या? ये फल वहां कहां रख रही है? जाओ जाओ, उसे यहां ले आओ जल्दी। जी। फल वहां कहां ले जा रही है? इधर आ। फलों को यहां पर रख दो। देवता हम हैं, पहले हमें देना चाहिए ना। अरे ठीक से रखना। जा कहां रही है? अरे क्या किया? मुझे उठाओ। उठाओ मुझे। इसे हटाओ यहां से। इसको छोड़ेंगे नहीं। तुमने जानबूझकर मेरा अपमान किया। नहीं, मैं तो बस फल देने आई थी। यह है मेरा फल, बताओ किसने खाया इसे? किसकी हिम्मत हुई इसे खाने की? बहुत बढ़िया। क्षमा का परवाना, हसीनों का दीवाना, नाम है रसिक मस्ताना। तुम्हारी अकल क्या मदिरा पीने गई है जो औरतों पर हाथ उठा रहे हो? सिर्फ औरतों पर ही नहीं, मैं मर्दों को भी नहीं छोड़ना। मर्द को भी दर्द होता है। बहुत अच्छे। ताली मत बजाओ कोई। अब तो तू गई। मैं तुम्हें बचाऊंगा स्वर्ग सुंदरी। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। फल के लिए लड़की पर हाथ उठा है और खुद को देवता कहता है। फल मैंने खाया था तो फिर मुझे आजमाओ। आप मुझसे लड़ो। पकड़ो इसे और वो हाल करो कि इसके तोते उड़ जाए। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। अब अच्छा लगा। माफ करना दोस्तों, कान में जरा कचरा भर गया था। कैसा है? सारे शिष्य आपस में ही लड़ बैठे हैं। महादेवी, आप अपने कक्ष में विश्राम करें, हम देखते हैं।
कलिंगा। पता है मेरा नाम क्या है? सब कान खोल के सुन लो। अगले 100 जन्मों तक भी तुम्हें मेरा नाम याद रहेगा। मेरा नाम है। तो वो तुम हो। फल भी चुरा कर खाए और देवताओं पर हाथ भी उठाया। हाँ, खुद को समझते क्या हो? तुम मुझे मार क्यों रही हो? मैंने तुम्हें बचाया। बंदर कहेंगे। मैं तुम्हें बंदर दिखता हूँ? हाँ, खुजली वाले बंदर, बददिमाग बंदर। तुम जैसा तुच्छ जानवर तो इस लायक भी नहीं कि मेरे बबलू के साथ बैठकर खाना खाए। ये बबलू कौन है? वो अब मेरी सुनो, तुमने मुझे कुत्ता क्या? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। बबलू चलो चलो चलो, बाय बाय। कलिंगा, पता है मेरा नाम क्या है? बकवास बंद करो। देर कर दी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। अब तुम कौन हो? त्रिनक्ष रुद्रा, लेकिन देवता मुझे बुलाते हैं जंग जियान।
मेरा नाम क्या है? अपने कान खोल के सुनो, अगले 100 जन्मों तक भी तुम्हें मेरा नाम याद रहेगा। मेरा नाम है सून खून। कितनी बकवास करता है। ये मत सोचना कि मैं तुझसे डर गया। इस डंडे से तेरी खोपड़ी ना खुलती तो मेरा नाम भी झिंगुरा नहीं। अभी मारूंगा तुझे, गिन गिन के मारूंगा। तू तो अब गया। अबे घूरता क्या है, आंखें फोड़ दूंगा तेरी। महादेव, उसका नाम सून उकोंग है और वो हमारे लोक का नहीं है। उसके चमत्कारिक शक्तियों को रोक पाना स्वर्ग के योद्धाओं के लिए भी असंभव हो रहा था, इसीलिए आपकी आज्ञा के बिना ही हमने उसे बंदी बना लिया है। पर हमने सोचा भी ना था। महादेवी, गलती मेरी है, मैं समारोह में नहीं थी, मैंने नियमों का उल्लंघन किया। आप उस बदमाश बंदर को सजा दीजिए, और खुद को बचाने के लिए रुद्रा से मैंने ही कहा था, आप मुझे सजा दीजिए। मैंने कलिंगा को वहां भेजा था, पर रुद्रा ने बीच में आकर हस्तक्षेप किया। सौ सालों तक तुम्हें खुद से दूर रखा, पर तुम अब भी वही हो। तुम में देवताओं वाले कोई गुण नहीं आए। हाँ, हम 100 सालों तक अलग रहे हैं। माँ, ये मैंने बनाया है आपके लिए, अपना ख्याल रखिएगा। कलिंगा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, चाहे सदियों बीत जाए। त्रिनक्ष रुद्रा, तुम्हारा नाम रुद्रा है ना? तुम देवता हो, तुम्हारी शक्ल पे हमेशा 12 क्यों बजे रहते? कुछ देर पहले तो बड़ा जोर दिखा रहे थे, पर अब देखो खुद मेरे साथ यहां बंधे पड़े। महादेवी के आदेश के बगैर कुछ भी करना दंडनीय अपराध। अच्छा, एक के खिलाफ 2 लड़े, ये यहां का नियम है? तुम अकेले भी हार जाओगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो चलो आ जाओ, दोबारा आजमा लेते हैं। क्या हुआ, डर गए क्या? हाँ, अब याद आया, थोड़ी देर पहले वहां वो सैनिक मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे तुम्हारी माँ ने यहाँ के नियमों को तोड़कर इंसान से प्यार कर लिया, और उसके बाद तुम पैदा हुए जो न इंसान है न देवता, माँ को बचाने के बजाय देवी की गुलामी कर रहा है। एक बार दोबारा बोलकर दिखाओ। सीधी सी बात है, तुम दोगले हो। महादेवी माँ यक्षिणी पधार रही है। महादेवी, तुम आजाद हो, कक्ष में जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। अरे ये क्या, इसे छोड़ दिया तो मुझे भी छोड़ो। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें हरा नहीं सकता? धरती पर तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके, इसलिए सोचा स्वर्ग में देवताओं को भी आजमा लिया जाए। वाह, ये क्या मेरे लिए इनाम है? इस इनाम का मैं अकेला हकदार नहीं हूं, ये इनाम सबको मिलना चाहिए। वाह, ये तो स्वर्ण मुकुट है, लाओ पहनाओ। ओ, 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 ओ। एक मिनट, बड़ी ये तुम्हारा है। हो गया। नमः कामाक्षी काया वशम वशम, नमः कामाक्षी काया वशम वशम।
बददिमाग बंदर इसी लायक है। शाही सभागृह को बर्बाद किया और शिष्यों को भी मारा, मुझे भी मारने की कोशिश की। अच्छा हुआ रुद्रा ने बचा लिया। एक बात कहना चाहूंगी, ये वशीकरण यंत्र मुझे दे दीजिए, मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी, किसी को कोई खतरा नहीं होगा। तुम खुद को तो संभाल नहीं सकती, दूसरों को क्या संभालोगी? मुझे एक मौका तो दीजिए। तुम्हें इस पर पैनी नजर रखनी होगी। सुनो कौंगम प्राण प्रतिष्ठाम, मेरे बच्चे मंकी किंग, तुम देवी नुवा के अंश हो और तुम्हारे अंदर देवी नुवा के अंश से ही बना अदम्य शक्तिशाली दैविक हृदय है। स्वर्ग के देवताओं ने उसे हासिल करने के लिए तुम पर कई हमले कर हुगो पर्वत को ध्वस्त कर डाला। वो इसे तुम्हारी नियति कहते हैं, तुम्हारी स्वेच्छा से जीने के जुनून को ये देवता कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हारी शक्तियों को तुम्हारी इस इंसानी काया में समाहित कर दिया है। आज से तुम सुन उकोंग के नाम से जाने जाओगे। जब तक देवी नुवा का दैविक हृदय तुम्हारे अंदर रहेगा, स्वर्ग लोक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें समस्त दैविक विद्याएं सिखाऊंगा, पर मुझे देखना है कि तुम इस संसार में क्या सार्थक परिवर्तन ला सकते हो। समझ में आया रुद्रा कि आखिर तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत क्यों नहीं कर पाते? मैंने हजारों सालों तक तुम्हें पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए भेजा था और ये सोचा कि शायद तुम पृथ्वी और स्वर्ग लोक के अंतर को समझ पाओगे, पर अफसोस तुम नहीं समझे। तुम्हारे हृदय में अब भी तुम्हारी माँ और अंशिका ही बसी है। देवता होने के नाते तुम्हें पृथ्वी वासियों को अपने वश में करना चाहिए। अपनी भावनाओं की बलि देकर मेरे अनुसार चलो, तभी तुम्हारी तीसरी आँख खुल पाएगी और तुम महान देवता बन पाओगे। उठ गए तुम? ये क्या कर रही हो? और तुमने मेरे सर में क्या बांध रखा है? ये क्या है? बढ़ गए थे इसलिए काट दिए। ये क्या किया? अच्छा नहीं लगा? मुझसे बिना पूछे बाल क्यों काटे? छोड़ूंगा नहीं चुड़ैल। तुम्हारे स्वर्ण मुकुट के साथ अच्छे लगेंगे। मेरा स्कार्फ कहाँ है? मेरे मास्टर का दिया स्कार्फ कहाँ है? गंदा हो गया था इसलिए मैंने धोकर सूखने को डाला है। देखो जरा खुद को देखो, जैसे पहले थे कहीं लेकर भी नहीं जा सकती थी। बबलू कितना साफ सुथरा है। मैं तुम्हारा नौकर नहीं बनना चाहता। तुम्हें लगता है कि ये मुकुट मुझे तुम्हारे वश में रख पाएगा? मुझे फुद्दू समझा तुमने? मेरा नाम कितना भी जोर आजमा लो, अब ये निकलने वाला नहीं। ये इस लोक का चमत्कारिक मुकुट है और तुम्हारी चाबी मेरे हाथों में है, समझे? चलो आज से मैं तुम्हें अपना नौकर स्वीकार करती हूँ। चलो मुझे महारानी बोलो। फिर से बोल कर देखो, फिर बताता हूँ। तुम आग से खेल रही हो। शैतान हूँ मैं, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। मेरे गुस्से से बच्चा बूढ़ा जवान मर्द कोई नहीं बच सकता। महारानी माफ कर दीजिए। ठीक से बैठ। बैठो। ओ ले ले ले, मेरा सोना कितनी मस्ती करता है रे तू। हाँ हंसो। चुड़ैल, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर गया? यह आवाज कैसी है? हाँ?
शमा का परवाना, हसीनों का दीवाना, नाम है रसिक मस्ताना। मैंने तो कल सोचा था कि तुम सचमुच कोई बहादुर जाबाज हो, पर तुम तो कूचे कूचे बड़े टुच्चे निकले। तुम्हें तो... अंदर आने के लिए किसने कहा? अरे मैं अंदर कहाँ है, मैं तो ऊपर से आया। जहाँ से आया है वहीं भाग जा। आना आसान है पर जाना मुश्किल। चल निकल। अरे खींचो रे बाबा। देखो मैं सब समझ गया यहाँ क्या चल रहा था। मैं इतना भी भोला भाला नहीं हूँ। चल निकल भाग यहाँ से। बना दिया ना मुझे मूसल चंद। ये स्वर्ग लोक का सबसे सुंदर नजारों वाला रसोई घर है, तुम यहीं रह सकते हो। तुम्हें चलती हूँ।阿王哥，对不起啊，又连累你了。没事。你在人间待这么久，好玩吗？也没什么好玩的。你不是说喜欢花吗？送给你。这什么呀？这是我去过的每个地方最漂亮的花的种子。如果你喜欢，我把天庭变得像人间一样，种满鲜花。我喜欢。我走了以后你怎么养他的？养得好吧，这么胖。就是太好了，胖得连盔甲都穿不下。小天，走。我早跟你说他叫小白了。他是黑的。白的。黑的。不是我说，你自己叫小白，小白是白的。वो बंदर खतरनाक हो सकता है, हमने उसे बांध कर क्यों रखा है? आप मुझे आदेश दीजिए महादेवी, उसे अभी खत्म कर देता हूँ। कहीं ये दैवी हृदय वाला वही बंदर तो नहीं? पहले जाकर ये पता लगाओ। मेरे बच्चे मंकी किंग, तुम अजय बनना चाहते हो? तुम आखिर ऐसा क्यों बनना चाहते हो? ताकि मेरा भाग्य मेरे हाथों में हो। देवताओं के मुताबिक संसार की नियति भाग्य यंत्र के द्वारा ही नियंत्रित करके वो समस्त जीवों को अपने अधीन रखते हैं। उनके अनुसार भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। मुझे उनकी परवाह नहीं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और उन्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं उस भाग्य यंत्र को खत्म कर दूंगा। भाग्य परिषद स्वर्ग के 36 खंडों में सबसे ऊपर स्थित है और यहीं से तीनों लोकों को नियंत्रित किया जाता है। और इस दरवाजे के पीछे एक जादुई पुल है जो भाग्य यंत्र कक्ष की तरफ जाता है। ये पुल धरती और स्वर्ग लोक के बीच सीमा का काम करती है। अगर कोई यहां से नीचे गिरा तो उसकी देवत्व की शक्ति सदा के लिए खत्म हो जाएगी और उसके मृत्यु का प्रमाण तक नहीं मिलेगा। और ये है नियंत्रण कक्ष, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा
हवा, बिजली, बरसात, बादलों की गर्जना, चारों मौसम के बदलाव और अच्छी बुरी ताकतें, ब्रह्मांड में होने वाली सारी घटनाएं सब यहीं से नियंत्रित होती हैं। ये क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। और अगर किया तो क्या कर लोगी तुम? और ये है वो भाग्य यंत्र, भाग्य परिषद का सबसे मुख्य स्थान। प्रणाम स्वीकार करें महादेवी। प्रणाम महादेवी। आज सर्वप्रथम मैं आप सबको स्वर्ग और धरती के बीच संतुलन बनाए रखने के बारे में बताऊंगी। ये हुगो की पहाड़ियां हैं और यहाँ एक शैतानी बंदर का जन्म हुआ था जो हमारे स्वर्ग के लिए खतरा बन चुका था। 300 साल पहले हमने उस शैतानी बंदर को खत्म कर दिया था। इसलिए स्वर्गाग्नि महीनों तक जलती रही और फिर हुगो की पहाड़ी सालों तक बर्फ से ढकी रही। हुगो पर्वत को पूरी तरह से खत्म करने के बाद आखिरकार स्वर्ग और धरती लोक के बीच संतुलन तो स्थापित हो गया, पर अब तक ये जमीन जीवों के रहने लायक हो जानी चाहिए थी, पर उस शैतानी बंदर की वजह से यहाँ से जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर लगता है वो शैतानी बंदर अब भी जिंदा है, और अगर ऐसा है तो हम उसे दोबारा खत्म कर देंगे। ये झूठ है। वो कभी एक बहुत खूबसूरत जगह थी, आज उसका ये हाल आपके अत्याचार की वजह से है। क्यों आपने उन्हें दोबारा वहाँ आबाद होने का मौका नहीं दिया? क्या गलती थी उनकी? किस बात की सजा दी? हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर दिया? ऐसे आदेश को मैं नहीं मानती। जवाब दीजिए, अगर वो सारे आपके अपने बच्चे होते तो क्या आप उन्हें मारती? अगर ये भाग्य में होता तो मैं ऐसा ही करती। अब समझे कि आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। ए बंदर, रुको ना। हाथ मत लगाओ। तुम उसकी बेटी हो। ये क्या कर रहे हो? काट दो और मेरे पास मत आना। मेरा शक सच साबित हुआ। उसका दैविक हृदय खत्म नहीं हो पाया था। वो शैतान वो कौंग के रूप में अब भी जिंदा है। वो स्वर्ग में तबाही करे, इससे पहले मैं हुक्म देती हूं उसे खत्म कर दो और उसका दैविक हृदय मुझे ला कर दो। वो मुझे चाहिए। अंशिका, स्वर्ग सुंदरी, पहले तो मुझे बुलाया और अब छुप रही हो, अच्छी अदा है। इस प्रतिबंधित पुल पर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब बताओ, यहां पर आने का तुम्हारा मकसद क्या है? सजा दोगे, सजा दोगे, सजा दोगे। देवता हो तो खुद को क्या समझते हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता? Ah!
तुमसे बात करनी है। उठो। पहले क्यों नहीं बताया तुम मुझे इतना प्यार करती हो? सीने से लग जाओ ना। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो बंदर कहाँ गया? तुम जा रही हो? वक्त बर्बाद मत करो, खत्म करते हैं इसे। अंशिका, मतलब हम लोग मरे नहीं हैं, पर यहाँ हुआ क्या था? हम लोग हम है कहाँ? ये हुगो पर्वत है और ये हुकोंग 300 साल पहले वाले उसी शैतानी बंदर का पुनर्जन्म है जिसके दैविक हृदय ने तूफान बन के हमें बचाया और यहां लेकर आया। अब तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा मैं। मेरी चिंता छोड़ो, अपनी खैर मनाओ। तो फिर आ जाओ। हाँ? आओ। Oh!
यहाँ तुम लोग शक्तिहीन हो। तुम लोगों का मालिक अब मैं हूँ। अरे ओ जमे जमाए फफूदी, ये कोई जादू नहीं है, ये मेरा आविष्कार है। रुक जा, मत लड़ो। स्वर्ग सुंदरी, ये लोग कौन है? सदा शोर मत मचा। हम बिना शक्तियों के उनका सामना कैसे करेंगे? तोड़ दो दीवार को, चलो सब। मुझे तो अंशिका, स्वर्ग सुंदरी, वहीं रुक जाओ। यहाँ से चली जाओ शैतान। हम शैतान नहीं हैं। झूठ है, आसमान से गिरने वाले शैतान ही होते हैं। नहीं, हम शैतान नहीं हैं। नहीं, नहीं, नहीं। पर्वत वालों, औकात में रहो। हालात ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। अब ये सब देखेंगे रसिक मस्ताना के जबरदस्त मुक्कों की ताकत। अरे शैतान तो फुसका पटाखा निकला। महादेवी के बहकावे में तुम मुझे मारना चाहते हो? 300 सालों तक इंतजार किया मैंने, 300 सालों तक। तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मेरा जन्म हुआ है स्वर्ग का इतिहास बदलने के लिए, और मैं उसका भूगोल भी बदल दूंगा। अंशिका, मेरी स्वर्ग सुंदरी, अंशिका, मेरी स्वर्ग सुंदरी। रुको, रुको, बचाओ। अंदर आ जाओ। अंशिका, मेरे पास आ। बचाओ, बुकिया जी, मेरा बच्चा, बचाओ। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? मेरे बच्चे को बचाओ। अरे किसी ने देखा इनके बच्चे को? वो रहा इसका बच्चा। जिस दिन हम मिले थे मेरे जीवन में बाहर आ गई थी, पर हमारे प्यार की वजह से तुम्हें स्वर्ग से निकालकर धरती पर भेजा जा रहा है। लेकिन मैं ये दंड तुम्हें अकेले नहीं भुगतने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कलेंगा, तुम्हें यहीं रुकना होगा। दुनिया और चमकते सितारों को तुम्हें बचाना होगा। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूं। चलो भागो। इसे मुझे दो। टूटा हुआ तारा जो मैंने तुम्हें दिया था, जब तक ये
मेरे पास रहेगा। हम कहीं भी जाएं, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। महादेवी, जादुई पुल टूट चुका है और अंशिका नीचे गिर चुकी हैं। उस बंदर के मायावी तूफान ने भाग्य यंत्र को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। हम अंशिका को ढूंढने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, पर आका भी इस मामले को देख रहे हैं। महादेवी, क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ना, हम अपनी सारी शक्तियां खो चुके हैं। मुझे बाहर जाने दो। अंधे हो क्या? देख नहीं सकते, मैं खुद बंधा हुआ हूँ। अरे जग गए मेरे सोना। चुड़ैल की बच्ची, मुझे जाने दो। बैठो। ये गांव वालों का बचा हुआ आखिरी अनाज है, ये देकर हमारा शुक्रिया अदा किया है। गांव वाले ये मानते हैं कि हम देवता हैं और हम उन्हें यहाँ बचाने आए हैं। मेघासुर इनके नदी और तालाबों को सूख चुका है, अब ये यहाँ खेती नहीं कर सकते। अब किसी भी हालत में हम यहाँ से नहीं जा सकते और मेघासुर फिर हमला करेगा। मैंने फैसला किया है, हम यही रुक कर इन्हें बचाएंगे। इन्हें बचाओगे और तुम लोग? हाँ हाँ, क्यों बचाएं? बचाओगे भी क्यों? तुम देवता तो इन्हें खत्म करना चाहते हो। अगर इन्हें बचाना ही है तो सबसे पहले उस भाग्य यंत्र को खत्म करना होगा। भाग्य हमेशा पहले से निश्चित होता है, कोई उसे बदल नहीं सकता। रुद्रा, बेवकूफ, दोबारा सजा पाना चाहते हो? बेवकूफ बना रही हूं मुझे? हमारे पास अब कोई शक्तियां नहीं बची है। तुम्हारा वशीकरण यंत्र भी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहां जा रहे हो तुम? हटो रास्ते से। क्या तमाशा देख रहे हो? किसी के भाग्य को नकारा नहीं जा सकता। जानती हो अंशिका, 300 साल पहले ये जगह हुगो पर्वत हुआ करता था। समझ में नहीं आता इस जगह को आबाद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। माँ ने कहा था कि ये जगह कभी आबाद नहीं हो सकती, लेकिन मुझे यहाँ काफी संभावनाएं दिखती हैं। मुझे भरोसा है कि आका भी तो ये सब देखता होगा। रुद्रा, तुमने कहा था ना, मैं चाहे कहीं भी हूं, तुम वहां खूबसूरत फूलों का संसार बना दोगे। अब मैं चाहती हूं कि यहां भी खूबसूरत फूल खिले।
神仙，对不起，我不是有意怠慢你的，你救了我们村子，但是我们村子什么都没有了，这些水也都是仅有的。神仙，你的盔甲，我自作主张缝补了，希望你不要介意。 ये जगह होगो पर्वत है ना, मुझे ये बहुत पसंद आई। अब ये सिर्फ नाम का होगो पर्वत रह गया है, इसकी असली पहचान सूर्यास्त तो अब दिखता ही नहीं। महादेवी ने तुम्हारे सूर्यास्त को छीन लिया, लेकिन हम मिलकर उसे वापस ले आएंगे। मैं तुम्हारा स्कार्फ संभाल कर रखूंगी। सब लोग यहाँ आओ, जल्दी जल्दी यहाँ पर आओ। हमने फैसला किया है कि हम यहीं रुकेंगे और मेघासुर से लड़ेंगे। गांव वालों, हमें सब मालूम पड़ चुका है, मेघासुर यहाँ के सभी नदी तालाबों के पानी को सोख चुका है, इसीलिए वो इंसानों का खून पी रहा है। ये तो बताइए कि हम उस राक्षस से लड़ेंगे कैसे? अरे देखने तो दो, सब बताता हूँ। शांत हो जाओ। मेघासुर के आने के इंतजार में हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसको पकड़ने का तरीका सोचना होगा। लेकिन कैसे? बचाव से बेहतर प्रहार होता है, और हम उस पर हमला करेंगे। बकवास है, है? मेरे पास उससे भी एक बेहतर तरीका है। उसको काबू करने के लिए हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसे घेर कर उस पर हमला कर देंगे। तो ये मेरे तरीके से अलग कैसे हुआ? मेरे तरीके को तुम नहीं समझ पाओगे। मेरा तरीका तुमसे बेहतर है। तो फिर बताओ। वो तुम्हारी समझ के बाहर है। कोशिश तो करो। ठीक है, तो फिर बताता हूँ। नहीं सुनना मुझे। क्यों नहीं? कहा ना। सुनना पड़ेगा। बहुत हो गया, चुप हो जाओ। सच्चाई नहीं मालूम है तो सुनो। मेघासुर स्वर्ग लोक से भेजा हुआ देवता है, जो राक्षस के रूप में यहाँ मंडराता रहता है। होगो पर्वत दोबारा सजीव न हो जाए, इसलिए वो इसकी नमी को सोखता रहता है। उसने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली, मुझे वो वापस चाहिए, और मैं ये काम अकेले भी कर सकता हूँ। हम इन पे भरोसा कर सकते हैं, हम इनका साथ देना चाहिए। मेघासुर आसमान में है, हमें नकली सूर्यास्त का समा रच के उसे नीचे बुलाना होगा और फिर उसे घेर लेना होगा। एक बार वो नीचे आ जाए तो उसे जाने नहीं देंगे, उसका खेल खत्म कर देंगे। पर हम नकली सूर्यास्त कैसे बना पाएंगे स्वर्ग सुंदरी? क्यों नहीं? इस समय हमारे पास हमारे कपड़ों के सिवाय और कुछ नहीं, इसलिए सूर्यास्त बनाने के लिए हम अपने कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। चलो। तुम्हारा हथियार मेघासुर के लिए बहुत ही कारगर है, पर मेघासुर बहुत ही विशाल है। क्या हम एक बड़ा तोप बना सकते हैं? मेरे लिए एक ऐसा हथियार बनाओ जो मजबूत और लक्ष्यभेदी हो, और सबसे खास बात, वो एकदम हल्का होना चाहिए। वो बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा, बड़ा। सारे कपड़े ले आए हम अपने घर से। पलक समर्पित। ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो फिर इसे देखो रुद्रा, इतना बड़ा काफी है ना, क्या कहते हो? अच्छा है ना ये? और बड़ा चाहिए होगा। हाँ? बहुत भारी है ये। मुझे और बड़ा चाहिए। इस छोटे से पिंजरे से हम मेघासुर को कैसे पकड़ेंगे? माफ कर दीजिए। मरेगा, 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 मरेगा।
हुकुम इसे देखो, ये है ना बड़ा, ऐसा ही चाहिए था ना तुम्हें। और रुद्रा ये तुम्हारे लिए, है ना बड़ा जैसा तुम चाहते थे। अब बोलो है ना हल्का, ये सब साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे। और बारिश कराएंगे, बारिश कराएंगे। ठीक है, हमले के लिए तैयार। अगर ये हमारा बृहद यंत्र कर गया काम तो मेघासुर का हो जाएगा काम तमाम। संभल के। अंशिका, अब हम कपड़ों को लटकाएंगे इस तरफ। मेरा ख्याल है यहाँ नहीं, इस तरफ। हाँ, इस तरफ। हाँ। नहीं नहीं, इस तरफ। हाँ। जहां तुम चाहो वहीं लटकाएंगे, ठीक है। हाँ।天上看不到星星，以后你睁开眼就能看到星空了。तुम्हें पसंद हो तो धरती की ही तरह स्वर्ग लोक में भी मैं इन्हें चारों तरफ खिला सकता हूं। काश ऐसा होता। खींचो जोर से, और जोर से, जोर से खींचो, खींचो, बढ़िया। मैं आ रहा हूं। मैं
मैं पकड़ा हूँ तुम्हें, जल्दी आओ साहब, बचाओ, पकड़ो, मदद करो। दो जल्दी अपनी दाहिनी तरफ निशाना लगाओ जल्दी। कपड़े खींच के सूर्यास्त बनाओ, चलो रस्सी खींचो। मेरे आका, सारी तबाही उस बंदर की वजह से हुई, पर अब वो मायावी तूफान शांत हो चुका है और भाग्य यंत्र पुनः कार्य करने लगा है। फिर से सारे लोग हमारे नियंत्रण में हैं आका, मेरी इस चूक को आप गंभीरता से ना लें। पत्थर जैसा है, ये इसी का आधा टुकड़ा है। दरअसल ये एक ही पिंड के दो टुकड़े हैं, तुमने ही मुझे दिया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुमने मुझसे कहा था कि जब तक ये मेरे पास है तुम मुझे याद रखोगी। मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा लगता है कि इन 200 सालों ने सब कुछ भुला दिया। क्या बीती बातें सचमुच इतना मायने रखती हैं?
पिछले कुछ दिन आपके साथ मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल रहे हैं। ये आपका एहसान है मुझ पर, ठीक है ना?你爱吃的红薯，甜着呢。我知道，你不是丰收，我的丰收不会再回来了。你回到天上以后，如果见到我丰收， 能不能替我告诉他，不要再挂念，丰收要做一个顶天立地的好神仙，啊！其实我也很羡慕丰收，这么多年来，我都没有见过我娘。 我也很想知道，他到底现在在做什么。我也希望有一天能见到他。放心，风社会好好保护你的。好。 ये कपड़े सूर्यास्त जैसे तो लग नहीं रहे, फिर मेघासुर नीचे क्यों है? मुझे अच्छा लगा। जानते हो, इस स्वर्ण मुकुट में अब वो शक्तियां नहीं जो तुम्हें काबू में रखे, फिर क्यों पहन रखा है? इसकी आदत हो गई है। ये क्या है? बंदर। ये कुत्ता है, ये बिल्कुल भी बंदर जैसा नहीं दिख रहा है। बंदर ऐसा दिखता है? तू वापस दो। मैं हुगो पर वापस आ गया, पर अब ये वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। पर है तो ये मेरा ही। भाग्य यंत्र द्वारा पता लग चुका है कि वो कहां है। जाओ, खत्म कर दो उन्हें। अब मैं तुम सबको बताता हूं कि वुकोंग, रुद्रा और कलिंगा मेरी इज्जत क्यों करते हैं। ये डरते हैं मुझसे क्योंकि मेरे पास जबरदस्त मुक्कों की शक्ति है, जिसे अगर सीखना चाहते हो तो 5-5 रुपए निकालो। तुम्हें तो भरोसा है ना? तो फिर तुमसे 3 ही लूंगा। चुम्मा दे दिया, फिर उसकी भी जरूरत नहीं। Huh?
देखिए बैठ के बात करते हैं ना। कलिंगा सबको डरा रहे हो। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मुझसे आकर लड़ो। अरे अरे आओ आओ उठाओ इसे, जल्दी 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 करो। हम भाग क्यों रहे हैं? महादेवी खगोलीय लड़ाकों के साथ यहाँ आ रही है। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो सारे के सारे मारे जाएंगे। अब चलो यहाँ से। पर गांव वालों का क्या? अब जल्दी अंदर जाइए और बाहर मत आइएगा। सब लोग जितनी जल्दी भाग सकते हो भाग जाओ। जब हमने मेघासुर को मार दिया तो इनका भी मुकाबला कर लेंगे। तुम्हें अब भी भरोसा है मेरे जबरदस्त मुक्कों की शक्ति पर? मार दिए गए। मस्ताना उस बच्चे को देखो, जिंदा बचा है या नहीं? बच्चा काम की थी? बहुत काम की। मस्ताना मस्ताना
चलने कणिका, कणिका, आपको गांव को बचाना होगा और जो तारे मेरे लिए बनाए उन्हें भी। मुझे तुम्हारे साथ जीना है कणिका। तुम अब भी बदली नहीं। देवता होने के नाते तुम्हारे अंदर इच्छा और प्रेम का भाव बिल्कुल नहीं पनपना चाहिए। सब कुछ भूलकर तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। जिस दिन तुम स्वर्ग से यहाँ गिरी थी उसी दिन पूरे गांव वालों को मेघासुर के हाथों मरना था, पर तुमने इन्हें जीने की झूठी उम्मीदें दिलाकर और भी दर्दनाक मौत की आग में धकेल दिया। हम यहाँ लोगों को मारने नहीं, शैतानी बंदर के कोलाहल को शांत करने आए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम सबके मन में पनप रहे प्रेम को मैं नहीं जानती? ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो कुछ यहाँ तुम्हारे और गांव वालों के बीच हुआ सब मेरा ही रचा हुआ था, तुम्हें ये बताने के लिए कि मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं।
अंशिका, हम गलत थे। स्वर्ग की मर्जी के बगैर वो बीज कभी फूल बनकर नहीं खिल सकते। जब तक हम नीचे गांव में थे, ना ही हम देवता थे और ना ही वो दानव। लेकिन अब तुम स्वर्ग लोक में हो, यहां वही करना होगा जो महादेवी चाहती है। वो कौन इस वक्त यात्रा गृह में कैद है, उसे बहुत कठोर यातनाएं दी गई, मगर उन यातनाओं के बावजूद वो अब तक जिंदा है, क्योंकि उससे तुम्हारा इंतजार है। जाओ अंशिका, क्योंकि एक तुम ही हो जो उसे उन यातनाओं से मुक्त करा सकती हो। तो आ गई। जानता था तुम जरूर आओगे। तुम मौत से लड़कर मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मंकी किंग, तुम्हें इस तरह देखकर लग रहा है तुम्हारा कोई वजूद नहीं। घिन आती है तुमसे, नफरत करती हूं मैं तुमसे। तुम हार गए, तुम सब कुछ हार गए। తెలుగు పలక సమర్పించు, తెలుగు పలక సమర్పించు। वहां के आसमान पर अंधेरा छा गया और तुम्हारा सूर्यास्त खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा, मैं हार नहीं मानूंगा। आत्मा को शांति मिले। अब तुम्हारे मकसद को मैं पूरा करूंगी। मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी। कभी इतना शक्तिशाली था ही नहीं, बल्कि वो तो देवी नुआ के इस दैविक हृदय की वजह से अपराजेय था। जिसे अब हमने हासिल कर लिया है, ये घटना तुम्हें ये सीख देती है कि तुम धरती पर बने अपने रिश्तों को भूल जाओ। अब मैं तुम्हारी तीसरी आंख खोलूंगी, इसके बाद तुम पूर्ण दैवत्व प्राप्त कर लोगे।
घोर यातना निवारकम् नव योनि नव काया प्रदायकम् सुनो कौंगम प्राण प्रतिष्ठाम प्राण प्रतिष्ठाम प्राण प्रतिष्ठाम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। घोर यातनाओं के बाद अपना मकसद पूरा किए बिना ही तुम वापस लौट आए। अपने ऊपर हुए अत्याचारों और हुगो पर्वत की तबाही का तुम बदला लेना चाहते थे ना? लेना चाहता था पर नहीं ले पाया। मेरा दैविक हृदय भी मुझसे चिन चुका है। क्या यही मेरा भाग्य था? स्वयं को शक्तिहीन महसूस करना तुम्हारे नए जन्म का संकेत है। हौसला मत हारो। कोई मायने नहीं रखता कि वो दैविक हृदय कितना शक्तिशाली है जिसे तुम खो चुके हो। वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मत भूलो कि तुम देवी नोवा के अंश हो और तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसलिए स्वयं को पहचानो और अपने गुजरे हुए पलों को याद करो जिसने तुम्हें यह असीम शक्ति प्रदान की है। याद करो तुम किस किस से मिले थे, जिससे तुम्हें प्यार और दोस्ती की अनुभूति मिली, और इसलिए अब तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति का उदय हुआ है जिसका सामना स्वर्ग तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। जाओ और अपना मकसद पूरा करो। अस्त्र शस्त्र है अग्नि दंड, नाम सुन वुकांग, दुष्टों का दलन करने को आया सुन वुकांग, रूप अनेक बलशाली काया, देवी नुवा से अमर हृदय को पाया, देख के इसको है देवलोक भी दंग, अस्त्र शस्त्र है अग्नि दंड, नाम सुन वुकांग। स्वर्ग वाले हम दोनों को दानव मानते हैं, चलो साथ में लड़ते हैं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं आका, अब मैं सर्वशक्तिमान हूं। सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। किसकी हिम्मत हुई यहाँ गुस्ताखी करने की? सामने आओ। आ! 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 आ!
मैंने कहा था ना, 100 जन्मों तक मेरा नाम याद रहेगा। स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली, मेरा नाम है सून वू कांग। तो खगोलीय चूहों की फौज भी आ गई। तुम लोगों से हिसाब तो चुकता करना ही था, अब तुम्हें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में आ ही गई। आपने सबको मार दिया, आप इसे भाग्य कहती हैं? अब समझ में आया कि आपने ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। स्वर्ग और धरती के बीच संतुलन बनाए रखने का ढोंग रचकर निर्दोषों का खून बहाया। आप हमेशा से यही चाहती थी कि वो कौन के पत्थर दिल को हासिल कर सर्वशक्तिमान बन के अपनी सत्ता को कायम रख सके। आप रुद्रा को भी अपने जैसा बनाना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वापस आ गए। कोई मायने नहीं रखती। तुम मेरी बेटी हो तो क्या हुआ? मैंने कहा था मैं जब चाहूं तुम्हें मार दूंगी। Ugh.
तुम जानते हो तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों तुम सब लोग अपनी मौत पर उतारू हो? मैं आपकी तरह क्रूर नहीं, और ना ही मुझे आपकी गुलामी स्वीकार है। आपने मेरी कनिका को मारा। जैसी शक्ल बनाकर अचानक वापस कैसे आ गए? मैं हमेशा ऐसा ही दिखता हूं। बहुत बदसूरत हूं ना मैं? मैं तुम्हें ऐसी रूप में चाहती हूं। तुम मुझे बहुत सुंदर लग रहे हो। भविष्य में मैं तुम्हारा नौकर बनूंगा। भविष्य में तुम अपना भाग्य खुद संवार पाओगे, और कोई भी तुम्हारे भाग्य को अपने वश में नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें हुगो पर्वत ले चलूंगा सूर्यास्त दिखाने। तुम्हारा दिल भी धड़कने लगा। सूर्यास्त को छीन लिया, लेकिन हम मिलकर उसे वापस ले आएंगे। मैं हुगो पर वापस आ गया, पर अब ये वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। पर है तो ये मेरा ही।
बन चुका है और अब उसकी तीसरी आंख भी खुल चुकी है। वो स्वर्ग पाताल और धरती को एक साथ देख सकता है। तीनों लोगों की शक्तियां उसके वश में है। तुम उसका सामना नहीं कर सकते। वो कौन? स्वर्ग मुझे कुचल देना चाहता है, इसलिए मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। धरती मुझे रोकना चाहती है, मैं उसे मसल दूंगा। मेरा कहना मानकर तुम महान बन ही गए और अब अपनी शक्तियों को तुम समझ पाए हो। भावनाएं कमजोर करती हैं रुद्रा। आखिर क्यों तुम अपनी भावनाओं का त्याग नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल छूट। मैं आपको याद दिला दूं, ये भाग्य आपका है, मेरा नहीं। नहीं।
తెలుగు పలక సమర్పించు తెలుగు పలక సమర్పించు स्वर्ग अनियंत्रित हो चुका है और कायर देवता अब लड़ना नहीं चाहते। स्वर्ग के अस्त व्यस्त ढांचे को दोबारा मैं दुरुस्त करूंगी। ये लड़ाई अब सिर्फ मैं लड़ूंगी। मैं अब तक स्वर्ग का कोप मैंने झेला, अब स्वर्ग मेरा प्रकोप झेलेगा। मंकी किंग, भाग्य यंत्र को तबाह करके भी तुम कुछ नहीं बदल सकते। मैं आया, मैं लड़ा और मैंने अपना बदला पूरा किया। आज अंशिका ने हमें लड़ने से रोक लिया, लेकिन एक बात याद रखना, मैं एक देवता हूं और तुम एक दानव। तुम्हें खत्म करना मेरा मकसद होगा। मैं भी देवी नुहा के अंश से जन्मा एक देवता हूं। जब हम दोबारा मिलेंगे कोई कसर मत छोड़ना। स्वर्ग के शास्त्रविदों ने बंदर के ऊपर हुए अत्याचारों का शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया। महादेवी के बारे में यह लिखा गया कि उन्होंने शैतानी ताकतों के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन के लिए स्वर्ग में विद्रोह कर दिया, पर उन्हें शैतान करार देकर रुद्रा ने उनसे स्वर्ग को बचाया। रुद्रा की पदोन्नति कर दक्षिणी द्वार की रक्षा और तीनों लोकों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
बंदर हुगो पर्वत पर वापस लौट आया, अपना वही सुनहरा सूर्यास्त देखने की तमन्ना लिए। उसने उन सारे जीवों को बुलाया जो भाग्य की आड़ में स्वर्ग के तानाशाही आदेशों से पीड़ित थे। अब वो बंदर स्वर्ग से कभी न खत्म होने वाले युद्ध की तैयारी करने लगा। वो बंदर यानी मैं सून, वो कॉन्ग, द मंकी किंग। I'm not afraid to die.
每一夜。